जय किसान साथियों साथियों, हम खड़े हैं आसी एसपी कार्यालय के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर। हमने पिछले दो दिन से धरना लगा रखा है। तीन दिन पहले हम नारनूंद के थाने के अंदर अपना धरना लगा रहे थे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा एक भाई कुलदीप सातरोड, जो कि बीजेपी के एमपी रामचंद्र जांगड़ा और उसके कुछ गुंडों के द्वारा उसको मारा गया। कुलदीप सातरोड पिछले 5 दिन से जो है जिंदल हॉस्पिटल हिसार के अंदर जिंदगी और मौत के बीच में अपनी सांसें गिन रहा है। उसको न्याय दिलवाने के लिए रामचंद्र जांगड़ा और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए और कुछ हमारे जो साथी थे, जो शांतिप्रिय तरीके से काले झंडे दिखा करके विरोध जता रहे थे, उनके खिलाफ जो 307 के मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको वापस करवाने के लिए ये न्याय धरना लगातार 5वें दिन में है। अभी तक कोई भी समझौता हमारा सरकार के साथ नहीं हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर सरकार का दबाव है, इसलिए ये FIR भी दर्ज करने से मना कर रहे हैं। साथियों, आप सबसे निवेदन है कि आसी की कोर्ट के सामने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचने का काम करें, ताकि संख्या बल के आधार पर इस तानाशाही सरकार को हराया जा सके और जो हमारा क्रांतिकारी भाई, जो कुलदीप राणा, जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, उसको न्याय दिलवाया जा सके। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। जय जवान, जय किसान।